हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम उपमा बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। हमने माश की दाल ली है, राई, जीरा, उपमा जो बारीक रवा आता है उपमा रवा वो लिया है, कोथिंबीर, हरा धनिया और करियापाक, हरी मिर्च और एक मीडियम साइज की प्याज ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं उपमा की रेसिपी। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैं सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है वरना हमारा उपमा थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें पहले थोड़ी सी राई डालेंगे और उसके बाद ये अच्छे से चटक जाए फिर हम उसमें जीरा डालेंगे। थोड़ा अच्छे से वो ब्राउन हो जाना चाहिए वरना वो कड़वापन आ जाएगा उसका। देखिए, और हमारा ये राई जो हमने डाली है अभी चटक रही है, उसके बाद हम जीरा डालेंगे। ये हमारी राई हो गई है और हमने जीरा ऐड कर और हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। उसमें माश की दाल जो हमने बताई थी वो डालेंगे, इसे भी थोड़ा लाइट गोल्डन होने देंगे। अब हम उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें, सिर्फ प्याज का कच्चापन जाना है, बस उतना ही पका लेंगे हम। अब हम उसमें प्याज के साथ हरी मिर्चें भी डालेंगे और जो हमने करी पत्ता लिया था वो भी डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि हरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो जाए। लास्ट में डालेंगे तो स्मेल आएगी हरी मिर्च की अच्छी सी, इसीलिए हमने प्याज के साथ ही हरी मिर्च और करियापा सभी डाल लेना। देखिए, हमारी प्याज थोड़ा सा लाइट हो गई है, पिंक कलर में आ गई है, तो इस टाइम पे हमें पानी डालना है। हमने 1 ग्लास रवा लिया था तो उसके 3 ग्लास पानी डालेंगे। देखिए, 1 ग्लास हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा ग्लास। हम टोटल 1 ग्लास रवा में 3 ग्लास पानी डालेंगे। कुछ लोग 2 ग्लास डालते हैं मगर उससे हमारा उपमा थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है और स्मूथ नहीं रहता, इसीलिए हम इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम उसमें नमक डाल देंगे, जितना आपका टेस्ट, जितना आप नमक लेते हैं उतना। मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। अब इसे ढककर पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि 1 बॉईल आ जाए फिर हम उसमें कोथिंबीर डालेंगे। हमने ढक्कन ढक दिया है। जब तक हमारा उपमा का पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम चटनी तैयार कर लेंगे उपमा के साथ की। अब हम इसमें रोस्टेड चना यानी फुटाने, जिसे कहते हैं हम लोग फुटाने कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, डाल लेंगे। जो हर कोई चटनी में यूज़ करते हैं वो डालेंगे। फिर 1 हरी मिर्च डालेंगे और 1-3 लहसुन की कलियां डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक डाल लेंगे। मैंने इतना थोड़ा सा नमक लिया है, अगर कम पड़ेगा तो फिर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए, अब हमारा पानी बॉईल हो रहा है। ये बॉईल होने में 3 मिनट लगे हैं। अब हम उसमें हरा धनिया डालेंगे। इसे हमेशा लास्ट में डालना चाहिए वरना उसका खुशबू, जो हरे धनिए की खुशबू होती है वो नहीं आएगी, इसीलिए हम उसमें पानी जब बॉईल होता है तभी हरा धनिया डालते हैं। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है,
और अब हम इसमें रवा डालेंगे। जो 3 ग्लास पानी है तो हमने एक ग्लास रवा लिया था, और रवा हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे और धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसमें गांठ ना आए, और चम्मच को हिलाते रहेंगे अच्छे से। अगर हम पानी 2 ग्लास लेते हैं तो इतने में ही वो थिक हो जाता है, स्मूथ नहीं बनता, इसीलिए हमें हमेशा जब भी बॉम्बे रवा, उपमा रवा जो कहते हैं उसे बनाते हैं, तो उसमें 1 ग्लास के लिए 3 ग्लास पानी डालना चाहिए। देखिए अभी कंसिस्टेंसी करेक्ट है। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। देखिए इसमें कोई भी गांठ नहीं आई, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसे एक बार अच्छे से उबाल लेंगे। बहुत देर नहीं पकाना है हमें, सिर्फ जब तक ये ठीक हो जाए थोड़ा सा, बस उतनी ही देर पकाना है। देखिए हमारा हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, इस पर ढक्कन ढक लेंगे। अब हमारा उपमा थोड़ा दम पे रखा है, अभी इसे ढक्कन को नहीं निकालेंगे जब तक उसमें भाप अच्छे से भर ना जाए। अगर हम खोल देंगे तो कच्चापन वैसे ही रहेगा। फ्लेम तो ऑफ है मगर ढक्कन को हमें 5 मिनट तक ढक कर रखना चाहिए, हमारा उपमा रेडी हो जाएगा। अब हम चटनी के लिए बघार तैयार करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टीस्पून उतना ऑयल डालेंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं डालना है। हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ऑयल चटनी में कम ही रखा है। उपमा में थोड़ा सा ज़्यादा डाला था वरना वो टेस्टी नहीं बनेगा। अब हम इसमें तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब थोड़े से 1-2 चुटकी जितने राई डालेंगे। हमेशा राई को हमें पहले ही डालना चाहिए, उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अच्छे से हिला लेंगे ताकि वो जले नहीं। देखिए अब हम इसमें करिया पाक डालेंगे, जो करी पत्ता होता है उसे थोड़ा सा डालेंगे, और फ्लेम ऑफ करके डालना है, हमेशा ऑन फ्लेम में करी पत्ता नहीं डालना। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है इसका। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम चटनी में डालेंगे। अब ये हम इस बघार को चटनी में डाल लेंगे। सारे इसमें से जो हमने बघार में डाला था वो सब अच्छे से साफ करके पूरा डालेंगे। देखिए देखिए हमारी चटनी कितनी देखने में कितनी अच्छी और टेस्टी लग रही है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब हम इसे ओपन करके देख लेंगे, देखिए कितनी अच्छी बनी है। हमारा उपमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए हमारा मज़ेदार और डिलीशियस उपमा तैयार हो गया है। उपमा के साथ चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप भी ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।